स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Samsung Galaxy S9 का। ये है इसका बॉक्स, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इसका मेन कंटेंट। तो एक ओके, ये है प्रीमियम साइज का बॉक्स, यूनिक सी डिज़ाइन है बॉक्स की भी। ओके तो ये है बॉक्स और ये है इसका मेन बॉक्स। तो इसकी करते हैं सील ब्रेक, ये हो गई इसकी सील ब्रेक और अब करते हैं इसको ओपन। ओके बॉक्स में बॉक्स और फिर एक और बॉक्स। सबसे ऊपर हमें मिलता है ये एक बैक केस और कुछ पेपर वर्क क्विक स्टार्ट गाइड। तो बैक केस है वो काफ़ी सॉफ्ट सा है तो ये भी ठीक है। उसके बाद में हमें मिलती है हमारी मेन यूनिट, ये है वो मेन यूनिट। इसको रखते हैं एक बार साइड में और देखते हैं हमें क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं। बिल्कुल, ये हमें मिलता है एक यूएसबी टाइप सी का कनेक्टर एक मेन यूएसबी से, और ये है हमारे पास इसका एक पावर एडेप्टर जो कि 9 वोल्ट का है, 9 वोल्ट 2 एम्पीयर का है, 18 वाट का चार्जर है। और फिर हमें इस साइड में मिलता है एक यूएसबी टाइप सी टू यूएसबी, और उसके बाद में ये हमें मिलते हैं कुछ ईयरबड्स, और ये लास्ट में हमारे पास हैं इसके ईयरफोन्स। ओके तो ये था इसका पूरा कंटेंट और अब देखते हैं फ़ोन को बूट करते हैं और क्या कुछ इसके अंदर स्पेशल है उसको चेक करते हैं। ये जो फ़ोन है, जो इसका कलर है वो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे लाइलैक पर्पल। तो उतारते हैं इसका रैप और करते हैं इसको बूट। आई होप इसमें बैटरी हो, बैटरी है। ओके फ़ोन के ओवरव्यू की बात करते हैं तो फ़ोन के ओवरव्यू हम सबसे पहले देखते हैं नीचे नीचे की तरफ हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड में मिलता है 3.5mm जैक, उसके बगल में मिलता है हमें यूएसबी टाइप सी का पोर्ट और प्राइमरी माइक्रोफोन, और राइट साइड में मिलता है स्पीकर के लिए। बात करते हैं फ़ोन के राइट साइड में हमें मिलता है पावर लॉक अनलॉक बटन, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलता है सेकेंडरी माइक्रोफोन और सिम ट्रे। हम देखना चाहेंगे हाइब्रिड है या कैसी है, बिल्कुल ये एक हाइब्रिड सिम ट्रे है। तो इसके अंदर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड या फिर ड्यूल सिम हम एक साथ काम में ले सकते हैं। बात करते हैं फ़ोन के लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट साइड में हमें मिलता है ऊपर की तरफ वॉल्यूम रोकर बटन्स, और नीचे की तरफ मिलता है हमें बिक्सबी का बटन या फिर हम इसको गूगल असिस्टेंट के लिए भी काम में ले सकते हैं। बात करते हैं फ़ोन के पीछे की तरफ की अगर हम बात करें तो हमें मिलता है रियर कैमरा और उसके जस्ट नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर, और राइट साइड में हम बात करते हैं तो एलईडी फ्लैश के साथ एक हमें मिलता है हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर। ऊपर की तरफ अगर हम फ़ोन में यहाँ बात करें तो ये हमें मिलता है स्पीकर, और इसके बगल में हमें मिलता है प्राइमरी कैमरा और बाकी अलग सेंसर्स। तो ये हो गया है हमारा फ़ोन बूट, ये हो गया है पूरा फ़ोन एकदम क्लियरली बूट। और डिस्प्ले है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, 2K डिस्प्ले है, क्वाड HD डिस्प्ले जो है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी शानदार है। उसके अलावा सबसे पहले हम एक बार सेटिंग में जाके इसका चेक करते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है अबाउट फ़ोन में। एंड्रॉयड वर्जन है इसमें अभी 8.0 है, सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन 9.0 है, तो एंड्रॉयड वर्जन इसमें अभी पाई का अपडेट आ गया होगा। और अगर हम सिक्योरिटी पैच लेवल की अगर हम इसमें बात करें तो वो भी 1 नवंबर 2018 का है, तो ये तो चलो ठीक है, जल्दी इसका 9 पाई अपडेट भी आ ही गया होगा। तो ये था फ़ोन का एक बार छोटा सा एक ओवरव्यू। अब हम इसका एक बार कैमरा टेस्ट करना चाहेंगे। तो ओके कैमरा के लिए हमें काफ़ी सारे मोड्स दिए गए हैं, और सबसे पहले हम एक रेंडमली फ़ोटो लेना चाहेंगे, जैसे हम इसी की एक फ़ोटो लेते हैं। कलर्स हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहे हैं। बिल्कुल ये हो गया है एक फ़ोटो, और इसकी हम डिटेल्स अगर देखना चाहें तो बिल्कुल हमें पूरी डिटेल्स हैं वो क्लियरली दिखाई दे रही हैं। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी शानदार है, और एक बार हम इसका सेल्फी भी टेस्ट करना चाहेंगे। ये ली है हमने एक सेल्फी, और बिल्कुल जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही हैं। तो ये था इसका पूरा कैमरा टेस्ट। अब एक बार हम इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट और कर लेते हैं कि सिक्योरिटी में जाके हमें कैसा क्या
सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है इसका। ओके, स्क्रीन टाइप इंटेलिजेंस स्कैन, कंटिन्यू। पैटर्न करते हैं हम, ये फेस अनलॉक कर दिया हमने ऑन, और एक बार रजिस्ट्री और इरिस स्कैनर और कर लेते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके कंटिन्यू। बिल्कुल आयरिस से ये भी रजिस्टर्ड हो गया है हमारा। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट लगाते हैं, फिंगरप्रिंट काफ़ी क्विक है, लगाते ही काम कर रहा है। जैसे मैंने, आप देख सकते हो, ये लगाया, ये काम किया, ये लॉक किया, लगा दिया, ये काम किया, फिर से लॉक किया, ये लगाते ही काम किया। तो ये फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है। अब आयरिस स्कैनर और फेस अनलॉक का और देखते हैं। ओके, अब मैं फ़ोन के सामने की तरफ देख रहा हूँ, तो लैग है, थोड़ा सा टाइम लेता है आयरिस स्कैनर जो है वो, थोड़ा सा हल्का सा एक सेकंड का टाइम लेता है अनलॉक करने में। करते हैं फेस इनरोल, ये हो गया है फेस इनरोल, और टर्न ऑन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, मैं इस फ़ोन की तरफ देख रहा हूँ, तो जैसे ही क्लिक किया ये ओपन हो गया। ओके, दोबारा करता हूँ, ये क्लिक किया, ओके हो गया, लेकिन काफ़ी टाइम ले रहा है ये। तो फिंगरप्रिंट ही फास्ट है, बाकी इसका इतना फास्ट नहीं है कुछ भी। तो अभी इसका ये करते हैं एक वाटर टेस्ट और कर लेते हैं, तो वाटर में ड्रॉप करके देखते हैं कि डिस्प्ले काम करता है नहीं करता है, कैमरा क्वालिटी कैसी रहती है कैसी नहीं रहती है। तो एक वो प्रैक्टिकल हम और करके देखते हैं इसके अंदर। देखिए वीडियो को अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब करते हैं इसका वाटर टेस्ट, तो देखते हैं पानी में फिंगरप्रिंट काम करता है नहीं करता है और डिस्प्ले काम करती है नहीं करती है। तो ये हमने डाल दिया पानी के अंदर, अब हम एक बार इसके अंदर सबसे पहले तो फिंगरप्रिंट टेस्ट करना चाहेंगे कि फिंगरप्रिंट अब वो काम करती है या नहीं करती है। तो ये लॉक किया और ये पीछे लगाया, तो फिंगरप्रिंट जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर डिस्प्ले भी है, वो काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो चलो कैमरा और टेस्ट करते हैं हम एक बार इसमें कि कैमरा काम करता है नहीं करता है। तो ये कैमरा ओपन हो गया है, तो ज़रूर टेस्ट करते हैं, टेस्ट करना चाहेंगे कि कैसी क्या फोटोग्राफी है वो होती है इससे। और पानी के अंदर दिया और जी बिल्कुल पानी के अंदर पूरा फोटो है जो आराम से आ रही है, काम कर रहा है पानी के अंदर फ़ोन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पड़ा है। तो ये था इसका वाटर टेस्ट, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें पानी में, कोई पानी में डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो यही था पूरा S9 का अनबॉक्सिंग। तो वीडियो बताना आपको कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।